दोस्तों ईडन मूवी की कहानी शुरुआत होती है एक हिरोइन नाम की लड़की से, जो उसे किडनैप करके उसका हाथ पांव बांध कर एक कार के डिग्गी में डाल देते हैं। और तभी दोस्तों एक दिन पहले का सीन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे और कहां हुआ था। हिरोइन 18 साल की लड़की होती है। दोस्तों इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देखते हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में पूरे के पूरे दिन लग जाते हैं। हिरोइन अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बार में जाती है। बार में जाने के बाद वह काफी एंजॉय कर रही होती है और तभी हिरोइन वहां बार में एक फायर फाइटर को देखती है जो वहां कुछ लड़कियों के साथ डांस करके इंटरेस्ट ले रहा था। तभी हिरोइन उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है और हिरोइन फायर फाइटर से कुछ देर बात करने पर तभी फायर फाइटर हिरोइन से कहता है कि तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी। उसके बाद हिरोइन और फायर फाइटर इन दोनों साथ में ड्राइव पर जाते हैं और वहाँ हिरोइन कुछ देखती है। फिर बाद में हिरोइन वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो तभी फायर फाइटर हिरोइन को देख लेता है और जिसके बाद वह उसे बांधकर दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। और तभी वे लोग वहाँ से हिरोइन को ICU लेटेड में ले जाकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसका हाथ पैर बांधकर उसके शरीर में एक GPS लगाकर चिपका देते हैं। और जब हिरोइन को होश आता है तो वह काफी ढेर सारी लड़कियों को बीच में पाती है और बाकी इन सभी लड़कियों को भी ऐसे ही किडनैप करके ये लोग लाए थे। तब उसे पता चलता है कि बॉब नाम का क्रिप्ट ऑफिसर इन सभी जगहों को हैंडल करता है, तो वही हिरोइन बॉब से मिलती है। तो बॉब हिरोइन से कहता है कि उनके पास तुम्हारे परिवार का पूरा डिटेल है, अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी फैमिली को वो लोग मार देंगे और उन सबसे खुलेआम गंदा काम करवाया जाएगा। और बॉब हिरोइन को काफी कोशिश भी करता है। बॉब हिरोइन से कहता है कि अब तुम्हें हिरोइन नहीं बल्कि ईडन नाम से बुलाया जाएगा। बॉब और वे लोग इन बाकी लड़कियों को दूसरी जगह पर ले जाते हैं जहाँ ब्लू फिल्म की शूटिंग हो रही होती है और इन सभी लड़कियों से भी एक्टिंग करवाई जाती है। और इसके बाद इन सभी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बनाकर क्लाइंट के पास भेज देते हैं और साथ में ईडन को भी क्लाइंट के पास भेज देते हैं। तभी ईडन क्लाइंट पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करती है पर ईडन नाकामयाब हो जाती है। और जब यह बात बॉन को पता चलता है कि ईडन यहां से भागने की कोशिश कर रही थी तो बॉब उसे पकड़कर सजा देता है। और फिर ईडन को इसी तरह एक साल गुजर जाते हैं और ईडन भी अपना यह लाइफ स्वीकार कर चुकी थी कि हम कर ही क्या सकते हैं। और वही हम ईडन को एक प्रेसला नाम की लड़की के साथ कुछ बातें करते हुए देखते हैं और प्रेसला से ईडन की थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है। और तभी वे लोग वहां से प्रेसला नाम की लड़की को वहां से कहीं ले जाते हैं तो ईडन वहां बिस्लाना को देखती है जो इन सभी लड़कियों को पकड़ कर ले जाने में और उनकी मदद कर रही थी। बिस्लाना उसके अकाउंट का काम संभालती थी। और तभी ईडन बॉन से मिलती है और कहती है कि बिस्लाना की जगह को हमें दे दो और बॉब को विश्वास दिलाती है कि वो बिस्लाना से अच्छा काम करेगी, पर बॉब यह सब कुछ उसकी बातों से मना कर देता है। लेकिन जब बॉब कुछ लड़कियों को फंसाने के लिए बार में जाता है और तभी बॉब ईडन को भी अपने साथ लेकर जाता है। बॉब दो लड़कियों को फंसाता है और बाद में वहां से जाने लगते हैं और तभी बीच रास्ते में ही कुछ लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं और इन लड़कियों को ईडन पकड़ने में बॉब की मदद करती है। और दूसरी तरफ बॉब एक ड्रग एडिक्टिव कॉन्फ्रेंस में होता है और कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कि वही लोग थे जिन्हें वे लोग मार डाले थे, पर बॉब यह सब कुछ उनकी बातों से मना करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बॉब काफी डरने की वजह से दोनों डेड बॉडी को फेंकने के लिए वहां ईडन की मदद लेता है। बॉब और ईडन अगले दिन एक लड़की को लेकर एक मारियो नाम के आदमी घर तभी जाते हैं, पर जब ईडन मारियो के घर पहुंचती है तो वे लोग बाद में बिस्लाना की जगह ईडन को दे देते हैं। तभी ईडन को याद आता है कि यह तो मारियो है जो हमें ट्रक में ट्रांसपोर्ट करा था। और तभी ईडन इस घर की तलाशी लेने के लिए वह बाथरूम की बहाना बनाकर तभी एक रूम में चली जाती है तो उसे वहाँ प्रिस्लिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि प्रिस्लिया प्रेग्नेंट होती है। और तब प्रिस्लिया ईडन को बॉब की सच्चाई बताने लगती है कि इस घर में यहाँ इन सभी लड़कियों को प्रेग्नेंट करके और उनके बच्चे को पैदा होने के बाद फिर वे लोग बेच देते हैं। और यह सब कुछ ईडन को पता चलने के बाद ईडन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और जब ये लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो बॉब यह नोटिस करके चेक करता है कि ईडन कुछ अपसेट लग रही है और तभी बॉब ईडन पर शक करता है कि ईडन कहीं उसके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है। इसलिए बॉब तभी बीच रास्ते में ही गाड़ी रोककर ईडन के साथ लाई हुई लड़की को गोली मारने को बोलता है ताकि वह अपनी सच्चाई जान सके। लेकिन तभी ईडन उस लड़की को शूट करने लगती है तो तभी बॉन उसे रोक देता है और उस पर शक करने की वजह से ईडन से माफी मांगने लगता है। और इसके बाद यह दोनों अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो तभी इन्हें पता चलता है कि किसी ने इनके बारे में पहले से ही पुलिस को सूचना दे दी है। इसलिए अब वह बाकी सभी लड़कियों को यहां से हटाने का प्लान बनाते हैं और इस जगह को खाली करके बाकी सभी लड़कियों के साथ मारियो के घर चले जाते हैं जहां वह ईडन को बताता है कि अब यहां हम सेफ नहीं रह सकते, अब हमें यहाँ से दूसरे देश में जाना पड़ेगा और वहाँ से ही सब कुछ पूरी तरह से हैंडल करेंगे। तो यह सुनकर ईडन को रियलाइज होता है कि यही लास्ट चांस है इन सब कारनामों से बाहर निकलने का।
और फिर हम देखते हैं कि जब बोन बाथरूम में जाता है तभी ईडन उसके मेथ पाइप को केमिकल से सफरे कर देती है जिसे इनहेल करने से बोन वहीं मारा जाता है। इसके बाद ईडन अपने पैर पे लगे हुए जीपीएस को निकालकर और बोन के सभी पैसे लेकर मारियो के घर चली जाती है, जहां वह मारियो को सभी पैसे देने के बदले में, पर यह मारियो इन सब से मना करता है। और तभी ईडन उसे आखिरी बार फिर प्रिंसिला से मिलने को बोलती है तो मारियो उसकी बात मान जाता है और तभी मारियो वहां से उठकर जाने लगता है तो तभी वो इंजेक्शन निकालकर मारियो को लगाकर मार डालती है। और इसके बाद ईडन प्रिंसिला को लेकर निकल जाती है जिसके बच्चे को उन्होंने बेच डाला था। और ईडन अब बुरी लाइफ से पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी और वही रास्ते में ईडन रुककर टेलीफोन की मदद से अपनी मोम को कॉल करती है, लेकिन उसके कुछ नहीं बोलने पर ह्यूंजे की मोम सब कुछ समझ जाती है कि उसकी बेटी ह्यूंजे है। तो तभी उसकी मोम ह्यूंजे नाम से उसको बुलाती है। अब ईडन अपना असली नाम सुनती है जो कि वह अपने बारे में सब कुछ भुला चुकी थी। अब ह्यूंजे की लाइफ वापस लौटने के साथ दोस्तों इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। यह मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है जो काफी ज्यादा अच्छा है और 86% से ज्यादा लोग यह मूवी को पसंद किए हैं। दोस्तों यह फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना।